दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको अपने मोबाइल से फ्री में सारा इंडिया रिफंड क्लेम को अप्लाई करने की पूरी प्रोसेस बताऊंगा। जी हां दोस्तों, आप अपने मोबाइल से ही केवल कुछ मिनटों में सारा इंडिया रिफंड के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको मोबाइल से सहारा इंडिया पोर्टल पर पंजीकरण से लेकर एप्लीकेशन फॉर्म को कैसे भरते हैं, एक से ज्यादा बॉन्ड की डिटेल्स को कैसे ऐड करें, क्लेम फॉर्म का कैसे प्रिंट आउट लें, कैसे उसको भरकर अपलोड करें और क्लेम को कैसे सबमिट करें, पूरा का पूरा प्रोसेस आगे इस वीडियो में आप जानने वाले हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल माई सिंपल गाइड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और प्रेस कीजिएगा बेल बटन को, ताकि फ्यूचर में जब भी मैं ऐसी कोई इंपॉर्टेंट वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो रिफंड को अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले इस वेबसाइट पर पहुंच जाना है। दोस्तों वेबसाइट का डायरेक्ट लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दिया है। लिंक पर क्लिक करके आप वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं। जैसे ही वेबसाइट ओपन होगी कुछ इस तरह से आपको स्क्रीन दिखाई देगी। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको पोर्टल पर रजिस्टर करना होगा, यानी कि अपना पंजीकरण कराना होगा। उसके लिए आपको यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर जमाकर्ता पंजीकरण पर क्लिक करना है। अगली स्क्रीन पर आप देखेंगे यहाँ पर आपको आधार नंबर के अंतिम के 4 अंक भरने हैं। उसके बाद नीचे अपने आधार कार्ड के साथ जुड़ा मोबाइल नंबर यहाँ पर भरना है और नीचे आधार से जुड़े मोबाइल नंबर को भरने के बाद आपको नीचे OTP प्राप्त करे पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके आधार कार्ड से जुड़े मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा। उस OTP को आपको नीचे ब्लैंक बॉक्स में भरना है और उसके बाद नीचे OTP सत्यापित करें पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही अगली स्क्रीन पर आपको कुछ नियम और शर्तें दिखाई देंगी और उसके बाद नीचे नियम और शर्तें के सामने ब्लैंक बॉक्स पर क्लिक करना है और नियम और शर्तों को स्वीकार कर लेना है। उसके बाद यहां पर मैं सहमत हूं बटन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आप देखेंगे आपको अगला बटन दिखाई देगा, उस पर आपको क्लिक करना है। अगले पेज पर आपको अपने पूरे आधार नंबर को यहाँ पर भरना है और दोबारा से OTP प्राप्त करे पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे दोबारा से आपके आधार कार्ड के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, उस OTP को आपको यहाँ पर भर देना है और उसके सामने OTP सत्यापित करे पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही नीचे आप देखेंगे कुछ डिटेल्स आपके आधार कार्ड से प्राप्त कर ली जाएंगी, जैसे कि आपका पूरा नाम, जन्म की तारीख, पिता पति का नाम, आधार के साथ जो भी आपका बैंक अकाउंट लिंक है उसका नाम आपको दिखाई देगा। दोस्तों यहां पर जो भी बैंक का नाम आपको दिखाई देगा आपके उसी बैंक अकाउंट में आपका पैसा ट्रांसफर किया जाएगा। तो यहां पर सारा रिफंड क्लेम अप्लाई करने के लिए ये भी जरूरी है कि आपके आधार कार्ड के साथ आपका बैंक अकाउंट भी लिंक होना चाहिए। उसके बाद नीचे ईमेल वैकल्पिक के सामने आप अपनी ईमेल आईडी को भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। उसके लिए यहाँ पर ईमेल आईडी को भर देना है, नीचे ईमेल सहेजे पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको नीचे अगला बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे अगली स्क्रीन पर आप देखेंगे यहाँ पर आपको सोसाइटी के नाम को चुनना है कि अभी केवल उन्ही लोगों को पैसा रिफंड किया जाएगा जिन लोगों ने इन 4 सोसाइटी में पैसा लगाया था, यानी कि जिन लोगों ने सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, ह्यूमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, सहारियान यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड या फिर स्टार्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, इन चारों में से अगर आपने किसी में भी पैसा लगाया था तो आपको रिफंड कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर जिस भी सोसाइटी में आपने पैसा लगाया था यहाँ पर आपको चुन लेना है। उसके बाद नीचे सदस्यता संख्या यानी कि अपने मेंबरशिप नंबर को यहाँ पर भरना है। उसके बाद खाता संख्या यानी कि अकाउंट नंबर को यहाँ पर भरना है। उसके बाद नीचे रसीद संख्या यानी कि रिसिप्ट नंबर को आपको भरना है। उसके बाद प्रमाण पत्र / पासबुक नंबर, यहाँ पर अपने सर्टिफिकेट नंबर या फिर पासबुक के नंबर को भरना है। उसके बाद आपका खाता कब खोला गया था उसकी तारीख भरनी है। दोस्तों ये सारी डिटेल्स आपकी पेमेंट की रसीद पर या आपके बॉन्ड पर या पासबुक पर भी लिखी होती हैं। इनमें से अगर आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट है तो उसमें आप चेक करेंगे तो आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। उसके बाद नीचे आप देखेंगे जमा / योगदान राशि, यहाँ पर आपने जितना भी पैसा जमा कराया था उसकी टोटल अमाउंट भर देनी है। उसके बाद नीचे कोई आंशिक भुगतान प्राप्त हुआ, यहाँ पर अगर आपको कोई पैसा वापस मिला है तो इसको यहाँ पर चुन लेना है।
उसके बाद नीचे क्या आपने सोसाइटी से कोई ऋण लिया है, यानी कि कोई लोन लिया है? अगर हाँ तो इसको भी यहाँ पर चुन लेना है। उसके बाद यहाँ पर जमा प्रमाण पत्र अपलोड करें, यानी कि जब आपने पैसा जमा कराया था तो उसका प्रमाण पत्र आपको दिया गया होगा। उस प्रमाण पत्र की कॉपी को स्कैन कर लेना है और उसको यहाँ पर अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद नीचे दावा जोड़े पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पर आपकी क्लेम की डिटेल नीचे ऐड कर दी जाती है। उसके बाद अगर आपने एक से ज़्यादा सोसाइटी में पैसा लगाया था तो यहाँ पर इसी तरीके से आपको वन बाय वन सभी को नीचे क्लेम लिस्ट में ऐड कर लेना है। उसके बाद आपको नीचे अगला बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे अगली स्क्रीन पर आप देखेंगे दावा आवेदन प्रपत्र यानी कि क्लेम एप्लीकेशन फॉर्म आपको खुल के आ जाएगा। उसके बाद आपको इस फॉर्म को डाउनलोड कर लेना है, क्योंकि इस फॉर्म को भरकर आपको दोबारा से अपलोड करना होगा। फॉर्म का प्रिंट आउट लेने के बाद आपको सबसे ऊपर अपना फोटो चिपकाना है और फोटो पर क्रॉस साइन करने हैं। उसके बाद आधार के साथ लिंक बैंक के नाम को भरना है। उसके बाद सबसे लास्ट में आपको यहाँ पर साइन करने हैं। दोस्तों यहाँ पर अगर किसी व्यक्ति को साइन करना नहीं आता है तो वो व्यक्ति थंब इम्प्रेशन भी दे सकता है। उसके बाद नीचे यहाँ पर अपने स्थान को और अपने मोबाइल नंबर को भर देना है। उसके बाद आपको दावा अनुरोध प्रपत्र जनरेट करें पर क्लिक करना है और उसके बाद नीचे अगला बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे अगले पेज पर आपको दावा आवेदन प्रपत्र को यहाँ पर अपलोड करना होगा, यानी कि जो फॉर्म आपने प्रिंट आउट लेकर भरा है उसकी स्कैन कॉपी को यहाँ पर अपलोड करना है। उसके लिए यहाँ पर चूज फाइल पर क्लिक करना है और नीचे अपलोड करें पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपका डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएगा। उसके बाद आपको नीचे अगला बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपका क्लेम सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। क्लेम सबमिट होने के बाद आपको उसका एक एक्नॉलेजमेंट नंबर भी दिया जाएगा। दोस्तों इस एक्नॉलेजमेंट नंबर को आपको SMS के द्वारा भी भेजा जाएगा और अगर आपकी ईमेल ID अपडेट है तो आपको ईमेल भी किया जाता है। दोस्तों यहाँ पर कई बार वेबसाइट लोड की वजह से आपको एक्नॉलेजमेंट नंबर दिखाई नहीं देगा, पर आपको ये जरूर इंश्योर कर लेना है कि आपको SMS के जरिए या फिर आपकी ईमेल आईडी पर आपका क्लेम एक्नॉलेजमेंट नंबर मिला है या नहीं। दोस्तों सारा रिफंड क्लेम ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद लगभग 45 दिनों के अंदर इनिशियली भारत सरकार द्वारा 10,000 रुपये आपके बैंक खाते में ट्रांसफ़र किए जाएंगे और ये पैसे आपके आधार कार्ड से जुड़े बैंक खाते में ट्रांसफ़र किए जाएंगे। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और ऐसी और भी वीडियोज़ के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अभी के लिए धन्यवाद, अगली वीडियो के साथ फिर से मिलेंगे। ऑल द बेस्ट।